चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज के प्रायोजक है आरोग्य हॉस्पिटल डाल चौराहा उदयपुर रोड सलूम्बर। प्रदेश के मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने मंगलवार को मावली उपखंड पर महंगाई राहत कैंप के शिविर का अवलोकन किया। शिविर अवलोकन के बाद आयोजित सभा में मावली प्रधान पुष्कर लाल डांगी ने क्षेत्र की विभिन्न मांगों से मुख्य सेवक को अवगत कराया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं को विस्तार से बताया। मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जितना जनता को फायदा दिया उतना किसी भी सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने मावली विधानसभा की मांगों को जल्द पूरा करने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट हॉस्पिटल करने, इटली व घासा के अस्पताल को क्रमोन्नत करने, बागोलिया बांध में नहर से पानी लाने, महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की एमए संकाय प्रारंभ करने एवं मावली को नगर पालिका बनाने की घोषणा की, जिससे विधानसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया। कार्यक्रम में मावली ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गोखरू, जीत से चुंडावत, नरेंद्र चंडालिया, लव पुरोहित, निरंजन चौधरी, मावली सरपंच भूपेंद्र सिंह गुर्जर, दिनेश गुर्जर, मनीष विजयवर्गीय अक्रम, मांगीलाल टेलर, हीरालाल खटीक, कमलेश पगारिया, अशोक वैष्णव सहित विधानसभा क्षेत्र के भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दौरे करने लगातार और ज्यादा उत्साह आया है। कर्मचारियों में भी, अधिकारियों में भी, और जो लोग वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, सब लोग जम के काम कर रहे हैं। पब्लिक बहुत खुश है, क्योंकि वरना 70% इसकी पहुंचती है वहाँ पे गाँव के अंदर, पहुँचती नहीं सब जगह इसकी। अब क्या सुनिश्चित हो रहा है, हर परिवार तक में पहुंचना है। आप सोच सकते हो 30% किसे कहते हैं, हर घर तक इसकी पहुंचेगी कैंपों में, और कैंप चलते ही जाएंगे जब तक कि सब लोग कवर नहीं हो जाएंगे। बहुत बड़ा फैसला है, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। सर, आज संख्या 3 करोड़ हो जाएगी, ये जो राहत पैकेज जो आपने दिए हैं लोगों को, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट तो बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। आगे एक टेम्पो बन चुका है, 30 जून तक कैंप चलेंगे, कुछ कैंप परमानेंट भी इसके अंदर है। योजना में तरीके से पूरा कंप्यूटर काम है, IT बेस्ड काम है, सब फिगर आते हैं, चूक हो नहीं सकती उसके अंदर। पूरा जो है अभियान IT बेस्ड चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, SDO लेवल पर, BDO लेवल पर सब जम के काम कर रहे हैं, और ये सेवा काम है। मैं जाता हूँ कहता हूँ, ये खाली नौकरी की बात नहीं है, तुम लोग ये सेवा कर रहे हो। और प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग, ये अभी हमें 7 के अंदर है, तो आप सोच सकते हो कितना लाभ मिला लोगों को। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा में भी महंगाई से राहत दिलाना एक बड़ा मुद्दा था, राहुल गांधी जी ने इस बारे में अभी राहुल जी से ही बात हो रही थी। भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे, नंबर 1 महंगाई, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 नॉन वायलेंस, और नंबर 4 अमीर गरीब के बीच में खाई, उसी थीम को लेकर हम चल रहे हैं। बजट पेश किया मैंने, उसमें वो थीम की झलक थी उसके अंदर, वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, मोदी जी कल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ, राहुल जी आए, कल मोदी जी आएंगे, तो अच्छी बात है ना, राजस्थान का महत्व बढ़ता जा रहा है, बढ़ना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ 2030 हमारा टारगेट होना चाहिए, प्रदेशवासियों का, मेरा अकेले का नहीं, 2030 तक हम सब मेहनत करें, अपने अपने कर्तव्य पूरा करें, हर वर्ग के लोग, आम जनता सहित, जो जहाँ जिम्मेदारी पद पे है, छात्र है, युवा है, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी हैं, सब राजनीतिक पार्टियों के दल के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग, NGO है, धर्मगुरु है, अगर सब तय कर लेंगे। कोरोना वाली लड़ी थी हम लोगों ने, कोरोना की लड़ाई ने हमें एक सबक दिया है, एक शिक्षा दी है, अगर प्रदेशवासी खड़े हो जाते हैं सब मिलके, तो सब कुछ सफलता कदम चूमती है। क्योंकि देखिए, बम्बई में, इलाहाबाद के अंदर, दिल्ली में, अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए थे, लाशें तैर रही थी गंगा जी के अंदर, और तो और लोग एम्बुलेंस में बाहर पड़े रहे थे, वहीं ड्रिप लग रही थी गाड़ियों के अंदर ही, कारों के अंदर ही, अहमदाबाद में देखा हमने। राजस्थान में तमाम लोगों को तो ट्रांसपोर्ट किया गया बसों के अंदर, बाहर मजदूरों को भी,
शानदार व्यवस्था करी कोरोना की, तमाम दवाएं फ्री रखी, वैक्सीन तो फ्री मजबूरी में प्रधानमंत्री को करना ही पड़ा, हमने दबाव दिया। सबसे पहले मैंने बोला था प्रधानमंत्री जी आपको वैक्सीन फ्री करनी थी, तब तो माने नहीं थे, बाद में उनको भी स्वीकार करना पड़ा। तो पर जो उस पर साथ दिया पब्लिक ने, सभी तबकों ने, उसके कारण से अपन लोग कामयाब रहे, ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। क्या हमें कैसे प्रबंधन करना पड़ा हो और लोगों की जाने बच गई, यही तरीका है अगर 2030 के अंदर नंबर वन बनाना राजस्थान को, अगर पूरे प्रदेशवासी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, तमाम आपके ये NGO एक्टिविस्ट, धर्मगुरु, धार्मिक लोग, हम सब अगर एकजुट हो जाएंगे, मैं फिर कहना चाहूँगा अपने अपने कर्तव्य पालन हम सब करें, तो मैं समझता हूँ कि कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है राजस्थान के अंदर, शिक्षा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हेल्थ में सिरमौर है देश के अंदर, 25 लाख का बीमा तो ही है, पर साथ में जो RGSS है कर्मचारियों के लिए वो भी शानदार स्कीम है, हेल्थ को लेकर हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं। निरोगी राजस्थान का अभियान चल रहा है, फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, फ्री सब कुछ, OPD, IPD, तो अपन जम कर सकते हैं, शानदार सड़कें बन गई यहाँ पर, जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, बिजली सोलर में आ रही है, तो क्या चाहिए फिर आपको। सर आप 2030 तक के लिए कह रहे हैं कि नंबर वन हम बनेंगे, आपने सभाओं में ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री रहे, तो क्या आपका अब राजस्थान की जो योजनाएं हैं उनको देश के अन्य राज्यों में ले जाके 2024 में एक बड़ी भूमिका में ये तो आपका नहीं, चेहरा जो है नहीं, मैं तो सामने आए। मैं देखिए, मैंने कहा उस पद कौन किस पद पे रहेगा किसी को नहीं मालूम है, पर हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा एक सपना होना चाहिए प्रदेशवासियों का, 2030 तक हम प्रदेश को नंबर वन बनाए, उसके लिए हम अपना कर्तव्य, मैं बात करता हूँ, मेरा कर्तव्य भी यही है कि मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ अभी, जम के काम करूँ और कर रहा हूँ मैं, ये भावना मैंने पकड़ी। सर कल कर्नाटक के चुनाव है, क्या स्थिति नजर आ रही है आप भी दोहरा? लगता है कि चुनाव हम जीतेंगे भारी बहुमत से, लोगों में वह आम जनता में बात चली गई है कि सरकार इस बार कांग्रेस की आएगी, जैसे आम बात यहाँ फैलने लग गई राजस्थान में, इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, ये आम जनता में भावना पैदा होने लग गई है, और जो आम जनता की भावना पैदा होती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे वो अमित शाह जी आओ, मोदी जी आओ, कोई आओ भले ही, पर एक बार जब जनता सोचती थी कि सरकार की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके बाद में कोरोना प्रबंधन कैसा रहा है, केरला गवर्नमेंट रिपीट हुई है, खाली कोरोना पे हुई है, वो कोरोना के प्रबंधन पे ही 75 साल के बाद पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई है वहां पर केरला के अंदर, लोग जवान पे आ गया कि देखो इतना अच्छा काम किया कोरोना में, तो हमें एक बार इनको मौका देना चाहिए। इस बार यहाँ जवान पे आ गया है, महंगाई की बात तो, बेरोजगारी की, 3 लाख नौकरी हम लगाने जा रहे हैं, आगे काम चल रहा है, 1 लाख की मैंने घोषणा करी है, तो नौकरियां हो चाहे महंगाई हो, सब जगह से हम लोगों ने जो अप्रोच रखी इस बार उससे लोग बहुत खुश हैं, और महंगाई रात के कैब और शानदार योजनाएं हैं, हेल्थ के लिए मैंने कह दिया आपको, सब तरीके से महंगाई की मार कम से कम पड़े राजस्थान वासियों, अभी महंगाई की मार बहुत बड़ी है, तो सब कामों हम लोग अव्वल हैं, जनता इस बात को मान रही है। सर ये तमाम योजनाएं जो है 2024 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बड़ा हिस्सा जो है वो हो सकती है, ताकि तमाम लोगों तक जो राजस्थान की जो हेल्थ की है, एजुकेशन की है, ये स्कीम देश के अन्य राज्यों के लोगों तक भी मिले। देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बनाएंगे, ये मैनिफेस्टो में और ये योजना के ज्यादा मजबूत हो, इस पर चर्चा होगी, और नई जन कल्याणकारी योजना क्या ला सकते हैं हम लोग मैनिफेस्टो के अंदर वो तय होगा। पिछली बार हमने कहा लोन माफ करेंगे, 3 दिन में लोन माफ कर दिया, कोऑपरेटिव बैंक का, भूमि विकास बैंक का, सब कर दिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, ये प्रधानमंत्री जी और NDA गवर्नमेंट साथ ही दे रही होंगी, हमने उनको भी कहा 1 टाइम सेटलमेंट करो, और किसानों के हित में हिस्सा आएगा वो हम सरकार भरेगी, और हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पैसे 1 टाइम सेटलमेंट होते हैं करोड़ों रुपये होते हैं, ये तो लाखों में है, वो लोग परवाह नहीं कर रहे हमारी, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, जनता बहुत खुश है। The
आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पर सर्जरी, फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्रियों से संबंधित रोगों के इलाज की सुविधा के साथ जीवन रक्षक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे एवं ईसीजी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आरोग्य हॉस्पिटल उदयपुर रोड दाल तिराहा सलूमर, मोबाइल नंबर 9024059049 एवं 9414637172 पर संपर्क करें।